नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ कमल सर मौजूद हैं जो कि वर्तमान में मुंबई डिवीजन में ही स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सर के स्टडी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे स्टेशन मास्टर के लिए पढ़ाई किया, कहाँ से पढ़ा, किस बुक को प्रीफर किया, ताकि आप लोग जो अभी NTPC के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जिनका कि जो ड्रीम जॉब है वो स्टेशन मास्टर होगा और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो उनको उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो सर, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो कि आप बेशकीमती समय हमको और हमारे साथियों को दिए। सर, कुछ अपने बारे में हमारे दोस्तों को बताइए, साथियों को बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे मौका दिए अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ बताने का। मेरा नाम कमल कुमार हुआ और मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बिहार राज्य के नालंदा जिला का निवासी हूँ और स्टेशन मास्टर आने से पहले मैं 3 साल ग्रुप डी में भी काम कर चुका हूँ। यानी स्टेशन मास्टर से पहले सर जो है वो ग्रुप डी में भी काम किए हैं। हाँ जी। तो सर, ग्रुप डी में जब आप आए थे तो उससे पहले भी आपने तैयारी किया होगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट ग्रुप डी के रिलेटेड भी वीडियो देख रहे होंगे, तो सर ये बताइए ग्रुप डी के लिए आपने क्या किया है, उसके बाद तो हम लोग NTPC पाएंगे। ग्रुप डी करने के लिए उससे पहले मैं SSC की तैयारी करता था और SSC की तैयारी के दौरान ही मैंने लगभग 2 साल तैयारी किया था, लेकिन सक्सेस मिल नहीं पा रही थी। कुछ नंबर से मैं छट जा रहा था, कभी नंबर से छट जा रहा था, कभी 0.5 से भी छटा हूँ, MTS में छटा हूँ, बिहार पुलिस में भी छटा हूँ, एक और CHSL में। सब कुछ होने के बाद भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसमें भी मैं छट गया। तो तब मुझे नौकरी के लिए इतना जरूरी हो गया कि मुझे किसी भी हाल में एक नौकरी लेना ही था, कोई छोटा भी हो चाहे किसा भी हो, हमको चाहिए चाहिए। तो सारा जब एक ग्रुप डी बचा था उस समय एग्ज़ाम, उसमें 60,000 लगभग वैकेंसी आई थी, तो मुझे लगता था कि अब ग्रुप डी ही एक चांस है, उसको हम कर सकते हैं क्योंकि उसमें वैकेंसी 60,000 बहुत बड़े महीने लगती है। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था, 6 महीने लगभग मेहनत किया को, तो ग्रुप डी नौकरी लिया था। तो सर ने 6 महीने लगातार आपने पढ़ाई किया ग्रुप डी के लिए। तो देखिए, ऐसा होता है सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक बार कहीं सेटल हो गए तो फिर वो सेटल हो गए कि भैया आप मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे मैं ही अभी UP पुलिस में था तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी थे जो हमसे सीनियर भी थे, काफ़ी तेज भी थे, लेकिन वो एक बार सेटल हो गया तो बस उसी में रम गए कि भैया आप तो हो गया मेरा नौकरी, अब क्या करना है। तो फिर आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं मुझे ग्रुप डी से आगे जाना है? आपने NTPC का फॉर्म फिलअप किया, फिर स्टेशन मास्टर आप मतलब बने, कैसे पढ़ाई किया, ये कुछ इसके बारे में सर बताइए। ऐसा आपने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जॉब लेने के बाद उसी में रह जाते हैं, तो मेरा भी यही था। अच्छा। मैं जब जॉब लिया तो उसके बाद खूब इंजॉय किया, खूब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया कि अब तो नौकरी लग गई है, अब तो लाइफ सेटल है, खूब इंजॉय किया, खूब वेब सीरीज, खूब फिल्म, जो भी फिल्म छूटा था सारा फिल्म को कवर करने लगा, सारा वेब सीरीज में देखता था। 6 महीने लगातार मैंने वेब सीरीज देखा था। तो फिर अचानक से ये क्या मन में आया कि भैया हमको स्टेशन मास्टर बनना है? ये अचानक से नहीं हुआ, हुआ ये कि मैं जब रेलवे में जॉब करता था तो रेलवे में मैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिलता था, तो मैं उस समय मैं इलेक्ट्रिशियन में था, इलेक्ट्रिक का काम करता था, तो उसमें क्या होता था कहीं भी बॉल बत्ती लगाना हो, वो करना करता था, तो मैं स्टेशन पे हमेशा जाया करता था। तो वहाँ पर एक स्टेशन मास्टर थे, वो हमारे एज के ही थे या हमसे छोटे भी हो सकते लेकिन सेम थे। वो व्हाइट ड्रेस पहन के बैठे रहते थे, उनको सर बोलना पड़ता था, वो लेवल सिक्स का पोस्ट है स्टेशन मास्टर, उस पर थे, मैं लेवल 1 पे था। तो मुझे लगता था कि ये हमारे ही उम्र को होते हुए लेवल 6 पे है और मैं लेवल 1 पे कैसे हूँ। तो उनसे मैं कभी कभी इज्जत से पूछा करता था कि बताइए आप कैसे बने हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो उसके लिए मतलब पढ़ाई शुरू की। मैं भी सोचा कि मैं भी NTPC का फॉर्म भरा हुआ तो मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं भी लूँगा, लेकिन उतना कोई सीरियस होकर पढ़ता नहीं था। तो अचानक से किसे सीरियस हो गए? अचानक से एक दिन YouTube पे फिल्म देख रहा था, फिल्म देखने में ही एक शॉर्ट्स आता है ना, शॉर्ट्स देखा, शॉर्ट्स में एक लाइन आया खान सर का। अच्छा। उन्होंने बोला कि समय के बारे में बताया कि अपना कीमती समय किसी को मत दो, उनका कहने का है एक तितलियों के पीछे मत भागो। तो मुझे लगा कि यानी बाज की तरह, बाज की तरह आपको उड़ान भरना है तो तितलियों का सही बोले, बाज की तरह उड़ान भरना है तो तितलियों का सहारा लेना छोड़ दो, तितलियों का पीछा मत करो, यही है ना? हाँ। तो सर, वहाँ से आपने मोटिवेट होकर पढ़ाई शुरू किया। तो बेसिकली हम ये जानना चाहेंगे कि फिर आप जब पढ़ाई शुरू की है तो कितने घंटे की पढ़ाई डेली बेसिस पे किया करते थे? देखिए, होता है क्या था कि मुझे तो जॉब भी करना होता था, खाना भी पकाना होता, सब कुछ करना होता था। तो मैं खाना बनाते समय पहले वेब सीरीज देखता था। हाँ। उसके जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, जीके का वीडियो देखना स्टार्ट किया, करेंट अफेयर देखना स्टार्ट किया, और जब मैं कहीं दूसरी जगह ड्यूटी करने जाता था तो रास्ते में ट्रेन से जाना होता था तो उसमें मोबाइल पर मैंने फोटो ले जाता था, उस फोटो को पढ़ते जाता था। यानी जो पहले आप उस समय का दुरुपयोग करते थे वेब सीरीज और जो भी होता है होगा वो तो मैं नहीं जानता हूँ वेब सीरीज के बारे में ज्यादा, तो उसके जगह पे आप पढ़ाई करना शुरू कर दिया। यानी सर ने जो अपना समय है उसका यूटिलाइज करना सीख गया।
अच्छा, तो सर मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है आपका पढ़ाई का, कितने घंटे की पढ़ाई? कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहती थी, कभी भी जब भी टाइम वो तो ड्यूटी पीरियड में ऐसा होता है। अभी मैं भी ड्यूटी करता हूँ तो मुझे पता है कि कभी कौन सा ड्यूटी हो जाए क्या हो जाए, तो वो फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम है वो आप पढ़ाई को देते थे। मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को देते। तो ये तो हो गया बात सर। अब ये बताइए कि उसके लिए फर्दर जो एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए आप कौन से बुक को पढ़े, मैथ रीजनिंग को कैसे कंप्लीट किए, जीके जीएस को कैसे कंप्लीट किए? सबसे पहले तो मैं ग्रुप डी में था, तो ग्रुप डी को कैसे निकाला उसी को लागू में किया एनटीपीसी ने। अच्छा, क्योंकि जब एक जॉब आप ले लेते थे कुछ तो कमांड रहती है कि कैसे लिए थे। तो मैं जब देखा था उस समय क्या कोई भी एग्जाम रहता तो उसका क्या होता, प्रीवियस रिव्यूशन होता, कैसा सवाल पूछता वो जानना होता था। तो मैं जब प्रीवियस ईयर बनाता था उसमें देखा किस चीज़ पर टकता था, तो मैं सोचा कि इसको टकने से पहले सर मैं इसका बेसिक कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैं बेसिक कंप्लीट किया, मैथ रीजनिंग का आपने बेसिक कंप्लीट किया। हाँ जी, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग जीके जीएस सबका बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया, टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट किया। देखिए टॉपिक वाइज सर ने भी पढ़ा है। हाँ जी, सभी सफल लोगों का यही पहचान है, मैं बार बार बोलता हूँ टॉपिक वाइज पढ़ो, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। मैं हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक उठाता था, वो टॉपिक कंप्लीट करता था और एक नोट्स भी लिखता था, मैंने ये कवर कर लिया है ताकि बाद में मैं रिवीजन भी कर सकूं संडे को। एक टाइम संडे को मैं रेस्ट रहता था तो संडे को रिवीजन करता था। संडे को मिनिमम मैं कम से कम तो 12 से 15 घंटा पढ़ाई करता था, सिर्फ संडे एक दिन टाइम मिलता था पढ़ने। तो सर बहुत जो कैंडिडेट होते हैं वो बुक के बारे में बार बार पूछते हैं हमसे, मैं उनको बोलता हूँ किसी भी पब्लिकेशन का तुम्हारे पास यदि बुक है तो आप लगा करो, तो ऐसा कोई है जो आप किस बुक से पढ़े होंगे कुछ याद आ रहा है? कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका जो सवाल पूछा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जिस चीज़ का भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, अभी एनटीपीसी का निकालना चाहते हैं या ग्रुप डी का निकालना चाहते हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर जो भी सवाल पूछा गया उसका एक कंबाइंड होनी चाहिए, जो टोटल सारा उसमें पूछा होना चाहिए वो पढ़िए। इसके लिए कहते हैं मोटी किताब आती है किरण पब्लिकेशन का, उसमें क्या होता है प्रीवियस ईयर पूरे किरण पब्लिकेशन पूरा प्रीवियस ईयर उसमें डाला रहता है, तो उसको आप कर सकते हैं कदम। और जीके जीएस के लिए भी वही कर सकते हैं। शुरुआत में पहले आपको बेसिक कंप्लीट होगा, बेसिक कंप्लीट करने के लिए आपको टॉपिक वाइज बताया कि टॉपिक वाइज करना होगा, टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लिए उसके बाद आपको उसी टॉपिक का सेट मारना होगा। इसके लिए आप लुसेंट कर सकते हैं, लुसेंट किताब पढ़ें तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव से उसको टिक आउट कर सकते हैं। रेलवे का कर रहे हैं, रेलवे का एसपीडी आती है, एसपीडी को भी कर सकते हैं। केएन पब्लिकेशन का भी प्रीवियस ईयर आता है वो भी कर सकते हैं। यानी बुक मैंने नहीं रखता है आपके पास कोई भी चीज़? हाँ, कोई एक बुक आपके पास है उसी को फॉलो कीजिए, तो वो बुक ऐसी होनी चाहिए उसमें सारा कवर हो चुका, कवर हो सके। 10 बुक को पढ़ने के बजाय आप एक बुक को 10 बार पढ़िए। यस, ये बेहतरीन। हाँ, ये बेहतरीन होगा। तो सर थोड़ा पहली बार लाइव आए हैं मतलब कैमरा के सामने, तो थोड़ा हेजिटेट फील कर रहे हैं, तो इनके बातों को मैं थोड़ा शॉर्ट में कंक्लूड कर दूं। कहने का मतलब ये है कि मैथ रीजनिंग का सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद फर्दर कोई भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए, सर ने किरण पब्लिकेशन से पढ़ा था तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालिए, और साथ ही साथ अगर जीके जीएस का बात किया जाए तो जीके जीएस में भी कोई बेसिक बुक मैं बार बार आपको बताता हूँ, तो बेसिक बुक से आप टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़ने से काफ़ी चीज़ें क्लियर होगा, ठीक ना? प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हाँ, प्रैक्टिस तो करना ही है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी काम चलेगा। अब सर प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है, तो इतना करने के बाद रिजल्ट हो जाएगा? जरूर, आप जो अपना समय है उसको पढ़ाई पर दीजिए, पढ़ाई आपको समय देगा। पढ़ाई को समय दीजिए तो पढ़ाई आपको समय देगा। खान सर का एक लाइन है, अच्छा, अपने आप को ऊपर खर्च करो ताकि लोग आपको गूगल पे सर्च करें, यानी जो समय है वो अपने आप पर दो तो लोग आपको गूगल पर सर्च करेंगे। खान सर से काफ़ी सर मोटिवेट हैं। अब सर ये बताइए कि मैं ये देख रहा हूँ इतना पढ़ाई आप इतना बुक रखे हैं, ना जाने किस किस चीज़ का बुक रहे हैं, इधर भी बुक रखे हैं, पूरा ये वेब वेबसाइट हैं, अब आगे क्या करने की इच्छा है आपको? जब मैं ग्रुप डी में था तो उस समय भी लोग कहते थे कि अब तो नौकरी हो गया, अब क्यों पढ़ रहे हो, तो उस समय मोटिवेशन मिलता कि नहीं हमसे ऊपर भी है, हमारे एज में भी हमसे ऊपर हैं जिनको मैं सर कहता हूँ। तब मैं उस लेवल पे आ गया, अब उनसे अच्छी से बात होती है, तब मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ अपना, तो वो वापस वही याद आता है कि अपना कीमती समय क्यों, अभी भी फिल्म और वेब सीरीज देखना शुरू कर दूंगा तो फिर मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। इसलिए अभी भी वो समय है जो मैं पढ़ाई पर देना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो रुकनी नहीं चाहिए। एक कहावत आपने सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कीड़े लग जाते हैं, मच्छर पनप जाते हैं, इसलिए हमेशा पानी को बहते रहो। नदी में कभी भी मच्छर नहीं पनपते क्योंकि वो बहता रहता है, इसलिए हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए, पढ़ाई पे कभी रोकना ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात सर ने कही कि कभी रुकना नहीं चाहिए, अगर ज़िंदगी में आप कहीं रुकते हैं तो फिर आप मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। सर अब ये बताइए हमारे साथियों को जो हमसे छोटे हैं, हम आप लोगों से बड़े हैं, ठीक ना, आप भी बड़े हैं, तो इनसे कुछ इनको बताइए कि कैसे ये मोटिवेट कीजिए कि पढ़ाई करें, ये सब पढ़ते नहीं हैं खाली वीडियो ढूंढते रहते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर YouTube पे आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो वो सारे चीज़ को
अनसब्सक्राइब कर दीजिए जो आपको टाइम वेस्ट करते हैं, कोई भी छोटी रील हो जो टाइम वेस्ट कर रही हो, पढ़ाई से रिलेटेड है, अपने माहौल में भी पढ़ाई लाए। सब्सक्राइब करना हो तो वो चैनल सब्सक्राइब करें जो पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता हो। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में भी वो चीज़ों को फॉलो कीजिए जो सिर्फ पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता हो, वो फालतू चीज़ें को बंद कर दें, यानी जो नचनिया वाला रील है उसको नहीं, उसको बंद कर दीजिए। आसपास माहौल ऐसा बनाइए कि उसमें सिर्फ पढ़ाई दिखे, आपको सपना में भी पढ़ाई लगे। हाँ, यानी आप यदि पढ़ रहे हो, मेरे कहने का अनुसार ये है सर, मैं ये समझता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना भी भाषण दे दूँगा अच्छा लगेगा, वो ये है कि यदि आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हो ना, तो उस 2 घंटे की कीमत को समझो। अगर पढ़ रहे हो तो 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम निकाला है या सर ने भी निकाला है, हो सकता है ये सर अभी थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं फील बोलने में, तो यदि 2 घंटा पढ़ रहे हो तो उस 2 घंटे का यूटिलाइज करना सीखो। यदि नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, वो 2 घंटे की कीमत जानते हो सकता है 2 घंटे में आप कुछ और कर लोगे, कुछ बिजनेस प्लान बना लोगे तो कुछ आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटे, तो 2 घंटे में कोई भी बाबू सोना, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए। सही कहा ना मैंने? यही तो आप बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले। ये क्या यही आप बोल रहे थे, तो इसको मैंने डिकोड कर दिया। अभी सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, मोबाइल। पढ़ रहे हैं, अगर मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मोबाइल को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सबसे अच्छा होता है मोबाइल से पढ़ने से किताब पढ़ रहे हैं, कोई प्रीवियस सेट मार रहे हैं, तो मोबाइल को साइलेंट करके दूर रख दें। 2 घंटा टारगेट रखें कि 2 घंटा मोबाइल नहीं छूना, चाहे किसी का भी कॉल हो जाए, साइलेंट करके दूसरे रूम में रख दें, कहीं ऐसा जगह रख दें कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। और जब 2 घंटा पढ़ लें तो उस पर किसी का कॉल आया हो तो उसको जवाब दे दें, बात कर लें, लेकिन 2 घंटा तक हम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करें। तो सर ने सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना है, सर ने कैसे पढ़ा था, किस बुक से पढ़ा था, कितने घंटे की डेली बेसिस पर पढ़ाई किया था। आई होप आप सारी चीज़ों को समझे होंगे। अंत में हम दोनों भाई बस इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप सच में NTPC की तैयारी कर रहे होंगे और आपका मन होगा, यानी आप सोचे होंगे कि मुझे रेलवे की जॉब करनी है, तो आज से गांठ बांध लीजिए कि जो अपना मैक्सिमम टाइम है, जो मैक्सिमम समय है, वो पढ़ाई को देना है। यदि पढ़ाई को नहीं देंगे अपना मैक्सिमम टाइम, तो फिर पढ़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक ना। कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा है, सीटों की संख्या बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आपका रिजल्ट होगा। बाकी की चीज़ें हम लोग कहते रहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, अभी के माहौल में सबसे अच्छी चीज़ होती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। अगर अभी आप 12 घंटा लाइब्रेरी में बैठ कर एसी के नीचे पढ़ने के लिए तैयार ना है, तो 12 घंटा धूप में काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब अभी यदि आप आराम किए तो बाद में बाबू मेहनत करना पड़ेगा। और जवानी में आराम और बुढ़ौती में मेहनत बहुत खराब लगता है। और बुढ़ौती में आराम और जवानी मेहनत, इससे अच्छा कुछ नहीं है ना। हम लोग आराम करेंगे बुढ़ौती में। हाँ, हम लोग बुढ़ौती में आराम करेंगे। सर का कहने का मतलब यही है। तो बस यही था सर का जर्नी, और कुछ हंसी मजाक होता रहता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, इसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको और भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, सर फर्दर रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे जरूर, और मैं भी जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।